सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी रूल 176 की अल्पकालिक चर्चा को आपने अनुमति दिया। आज मैं कृषि के विषय में ये चर्चा लेकर सदन के सामने आया हूं। सभापति महोदय, कृषि सदियों से हमारे देश की पहचान रही और सबसे पुरानी वैज्ञानिक कृषि करने का श्रेय अगर किसी एक देश को जाता है तो वो भारत को जाता है। देश की आबादी का लगभग 65% से ज़्यादा हिस्सा कृषि पर निर्भर है और हमारे जीडीपी में कृषि का कंट्रीब्यूशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो जो जीडीपी के आंकड़े बनते हैं उसमें शुद्ध रूप से कंट्रीब्यूशन को देखें तो 15% कंट्रीब्यूशन माना जाता है, परंतु रोजगारी कृषि में से जो उत्पन्न होती है इसको ऐड कर ले और उसको भी गिनती में लेकर आए तो ये कंट्रीब्यूशन लगभग लगभग 42% के आसपास जाता है। सभापति महोदय, जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी की नीति रही मुक्त व्यापार मुक्त खेती, ये दो हमारे 1950 से नारे रहे। इसी के आधार पर जब जब हमें शासन में आने का मौका मिला, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमने इसके आधार पर कृषि को बढ़ावा देने की शुरुआत करी और मुक्त कृषि के दिशा में हमने बहुत सारे काम किए। अभी जब 2014 में देश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, एक ऐतिहासिक जनादेश दिया और 30 साल के बाद पहली बार किसी एक दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश मिला, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, एनडीए के सारे सांसद जब अपना नेता के चुनाव के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा हुए थे, उस वक्त हमारे नेता और अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण किया था कि ये जो सरकार बनने जा रही है वो सरकार किस दिशा में जाएगी। मैं मानता हूं सभापति महोदय, वो भाषण ही आने वाले 5 साल के लिए सरकार किस दिशा में जाएगी वो दिशा को इंगित करने वाला था। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि ये सरकार जो बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, वो सरकार गरीबों की सरकार होगी, दलितों की होगी, आदिवासियों की होगी, किसानों और मजदूरों और गांव की सरकार होगी। और उसी बात के आधार पर विगत 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है, एनडीए की सरकार आगे बढ़ रही है। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक वैज्ञानिक और सूक्ष्म आयोजन के साथ देश के कृषि क्षेत्र के मानचित्र को बदलने का एक प्रयास किया है और बहुत सारे नए इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए हैं। सिर्फ योजनाएं देकर हम आगे बढ़े ऐसा नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा कि 2022 में जब देश की आजादी के 75 साल हो जाएंगे उस वक्त किसान की आय को हम दुगना करने का प्रयास करेंगे, बहुत सारी टिप्पणियां इस पर आई, कैसे होगा, असंभव है, अपनी अपनी सोच होती है सभापति महोदय, मगर सरकार ने इस सारी टिप्पणियों को भी एक रचनात्मक सकारात्मक रूप से लेते हुए मौन रहकर योजना बनाकर आगे बढ़ने का निर्णय किया। और ये जो इनिशिएटिव हुए वो इनिशिएटिव अब आंकड़ों की दृष्टि में भी दिखाई दे पड़ते हैं। सभापति महोदय, सरकार ने जो घोषणा करी कि हम बहुत सारी योजनाएं लेकर बहुत सारी चीजों को समाहित करते हुए किसानों की आय को दोगुना करेंगे, इसको सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं कहा। मैं इस सभागृह के माध्यम से देश की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सभापति महोदय, कृषि के बजटीय आबंटन में 2009 से 2014 तक 1,21,082 करोड़ था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 2009 से 2014 तक 1,21,082 करोड़।
और 2014 से 2018 तक वो बढ़कर हो गया 2,11,694 करोड़, 75% की वृद्धि कृषि के बजट में करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने किया है। और इसके अलावे सूक्ष्म सिंचाई कोष के लिए 5,000 करोड़ ज्यादा, डेयरी के लिए और 10,000 करोड़, कृषि बाजार के लिए विकास कोष और 2,000 करोड़, मत्स्य एवं जलीय विज्ञान के लिए 7,550 करोड़ और पशुपालन के लिए और 2,450 करोड़। कृषि को टोटल एक ब्लॉक मानकर विचार करें तो ये बहुत बड़ा बजट का आवंटन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सभापति महोदय, ये पद्धति नहीं है। यू हैव कम टू डिस्टर्ब द हाउस। व्हाट इज दिस? व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज दिस इंकरिंग एवरीबॉडी? व्हाट सडनली व्हाट हैपेंड टू यू? Yes, the farmers issue is a burning issue of the country and you are now obstructing it. Now, please, 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 please go to your seat. 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 That's why everybody is on. Please, please go to your seats. Go to your seat. ये पद्धति नहीं है।